लोकसभा चुनाव के छठे दौर में 6 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में 58 सीटों पर शनिवार को सुबह 7 बजे से वोट डाले गए। आम चुनाव में जिन सीटों पर वोट डाले गए उनमें दिल्ली की 7 लोकसभा सीट भी शामिल हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में वोट डाला। इस बूथ पर राष्ट्रपति भवन में काम करने वाले कर्मचारियों ने भी अपना वोट डाला। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पत्नी सुदेश धनखड़ के साथ दिल्ली के नॉर्थ एवेन्यू में बने पोलिंग बूथ पर वोट डालने पहुंचे। भारत का चुनाव दुनिया के लिए अजूबा है। कितनी संख्या में लोग मत करते हैं, मताधिकार दायित्व भी है, ताकत भी है। भारत विश्व का सबसे ज्वलंत सक्रिय प्रभावी लोकतंत्र है, दुनिया के लिए एक मिसाल है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने न्यू मोतीबाग इलाके में वोट डाला और लोकतंत्र के इस महापर्व में लोगों से बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की। पूरी कंट्री में लोग बड़े उत्साह से इस चुनाव को भाग ले रहे हैं और हर बूथ पे हमारे अफसर ने बहुत तैयारी की है। आप देख रहे होंगे यहाँ भी और जगह भी गए होंगे और ये तो दिल्ली है, दिल्ली के बाहर भी बहुत तैयारी की है, यानी शामियाने भी लगाए हैं, सजाया भी है, सेल्फी पॉइंट्स बनाए हैं, ORS रखा है, वाटर रखा है, गर्मी है तो सब चीज़ का इंतजाम भी किया है। लोगों को बड़ी से बड़ी संख्या में आके और मतदान में हिस्सा लेना चाहिए। दिस इज ए फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी इन विच एवरीबडी मस्ट पार्टिसिपेट। कांग्रेस नेता राहुल गांधी नई दिल्ली के निर्माण भवन पर वोट डालने पहुंचे। राहुल गांधी के साथ उनकी माँ और पार्टी की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी भी थी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने लोधी रोड में वोट डाला। दक्षिणी दिल्ली लोकसभा सीट में आने वाले इस इलाके में वोटिंग के दौरान प्रियंका के साथ उनका परिवार और कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी मौजूद रहे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में वोट डाला और बीजेपी की जीत का दावा किया। हम लोग जो हैं अभी वोट किए हैं तो आप देख रहे हैं कि मैं इस बूथ में फर्स्ट मेल वोटर हूं। अब ये मतदान जो होता है हम तो चाहते हैं कि भारी संख्या में आज वोट पड़े, क्योंकि ये देश के लिए एक बहुत बड़ा निर्णय का समय है और मुझे पूरा विश्वास है कि देश जो है दिल्ली के वोटर भी विकसित भारत और मोदी सरकार को एक बार और वोट देंगे। दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी ने भी अपने वोट का इस्तेमाल किया और उम्मीद जताई कि हर कोई तानाशाही के खिलाफ वोट करेगा। देखिए, मैं भी अपना वोट डाल के आ रही हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि सभी दिल्ली वासी और देश के हिस्सों में जहाँ जहाँ पर भी वोटिंग हो रही है वहाँ पर सभी लोग आएंगे, अपना वोट जरूर डालेंगे। महंगाई के खिलाफ अपना वोट डालेंगे, बेरोजगारी के खिलाफ अपना वोट डालेंगे, तानाशाही के खिलाफ अपना वोट डालेंगे। CPIM की नेता वृंदा करात ने नई दिल्ली के सेंट थॉमस स्कूल में वोट कास्ट किया। इस दौरान उन्होंने बूथ पर EVM में खराबी का आरोप लगाया। I've written a complaint here. How is it that in the morning at 9:15 the battery of the machine is down? So what are the arrangements that they have made? People have been waiting here in the heat for so long. I've given a written complaint. वृंदा करात के साथ वोटिंग के वक्त उनके पति और CPIM के पूर्व महासचिव प्रकाश करात भी मौजूद रहे। I voted today in defense of democracy and against dictatorship because this is a very important election for the country. उत्तर पूर्वी दिल्ली से बीजेपी के उम्मीदवार मनोज तिवारी ने वोट डालने से पहले अपने घर पर पूजा की। वोट की एक आहुति देनी है इस यज्ञ में और वो उसके लिए लोग निकल रहे हैं, बहुत उत्साह है। और दिल्ली की 7 सीटें हमारे उत्तर पूर्वी दिल्ली के साथ साथ बाकी सभी सीटें दिल्ली की आज देश हित के लिए, नरेंद्र मोदी जी के लिए और अपने बच्चों के भविष्य के लिए जा रहा है। दिल्ली से 2 बार के सांसद रहे मनोज तिवारी के खिलाफ विपक्षी गुट इंडिया ने कन्हैया कुमार को मैदान में उतारा है। कन्हैया ने आरोप लगाया कि बीजेपी सांसद ने पिछले 10 साल से इलाके में कोई काम नहीं किया। देखो, मेरे अगेंस्ट में नहीं है, वो उत्तर पूर्वी दिल्ली के जो 24 लाख मतदाता हैं उनके अगेंस्ट हैं, क्योंकि पिछले 10 साल से वो यहाँ सांसद हैं और वहाँ इन्होंने यहाँ पर कोई काम नहीं किया है, कोई भी काम नहीं किया है।
पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट से मौजूदा सांसद गौतम गंभीर ने नई दिल्ली में वोट डाला। पार्टी ने इस बार गौतम गंभीर की जगह हर्ष मल्होत्रा को मैदान में उतारा है। पहले तो ये कहना चाहूँगा कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग घर से बाहर निकलेंगे, वोट डालिए, अपने अधिकार के लिए वोट डालिए, ईमानदारी के लिए वोट डालिए, डेवलपमेंट के लिए वोट डालिए और देश की उन्नति के लिए वोट डालिए। तृणमूल कांग्रेस की राज्यसभा सदस्य सगारिका घोष ने चुराग दिल्ली के सर्वोदय कन्या विद्यालय में वोट कास्ट किया। वोटिंग के बाद उन्होंने दावा किया कि बीजेपी इस बार चुनाव हार रही है और इंडिया गुट केंद्र में सरकार बनाएगा। Mr. Modi and the BJP will lose the election. He is the outgoing Prime Minister. His incompetence has been revealed over the last 10 years. In this election, the India Alliance will come to power. We will form the government and we will give a rational government to this country. 2014 और 2019 के आम चुनावों की बात करें तो बीजेपी ने दो बार दिल्ली की सभी 7 सीटों पर भारी अंतर से जीत दर्ज की थी। इस बार भी पार्टी ने क्लीन स्वीप का लक्ष्य रखा है। वहीं विपक्षी गुट इंडिया में सहयोगी पार्टी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को कड़ी चुनौती देने के लिए संयुक्त उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं।